Now slide has visible to you. Yes, ma'am. ठीक है, आज की जो क्लास है ना बेटा, एक पूरा शुरू से आखिर तक एक क्विक रिवीजन कराऊंगी, बताओगे तुम लोग, ठीक है, बताओगे सारे तुम लोग। और वो चीजें देखो, चैप्टर में क्या होता है, हर चैप्टर में ना एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। पहली बात तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, है ना। आपको हर चीज टच ही करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो इट इज ओके, ठीक है। आपके पास टाइम है तो आप सब पढ़ के जाओगे, ये पहला पॉइंट है। लेकिन देखो क्या करना है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो एक लाइन, एक स्टेटमेंट जो भी होगा ना आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। तो रिवीजन जो करने जा रही हूँ वो कैसा है आपका, एकदम से वो मेन मेन पॉइंट जो आपको क्या करने हैं, जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले ये बताओ कि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी वो किसने इनिशिएट की थी। आंसर तुम लोग करोगे आज, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है। मैम स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। किसने रिप्लाई किया है, सब लोगों को करना है। फर्स्ट आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था आपका, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, है ना, एंड हर्बर्ट बॉय, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट थे किस ईयर में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, किस पे वर्क किया था बेटा, मैम सालमोनेला टाइफी, टाइफी म्यूरियम, ठीक है। इन्होंने सालमोनेला टाइफी म्यूरियम पे क्या वर्क किया था, सल्फोनेरिया टाइफी म्यूरियम पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला पार्ट था उसको ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर सेकंड साइंटिस्ट जो थे आपके 1963 में कौन से थे, हैमिल्टन स्मिथ एंड कोवर्कर। क्या किया था इन्होंने, मैम फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन कवर किया था, क्या किया था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोज की थी, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया था इन्होंने। और क्या किया था, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किया था और दूसरा डीएनए मेथाइलेज किसने किया था, इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये तो दो आपकी डिस्कवरी हो गई। इसके अलावा हम जब बायोटेक पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, काफी सारे टूल्स पढ़ते हैं। तो पहला टूल्स क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हमको वर्क किस पे करना है बायोटेक में, हमको डीएनए जो है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है हम उस पे वर्क करते हैं, उस पे अपनी टेक्निक लगाते हैं। तो हमको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, सबसे पहली चीज क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन डीएनए चाहिए। सबसे पहले हमको बेटा डीएनए चाहिए ना, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, डीएनए चाहिए। जब डीएनए मिलेगा तभी तो उसको कट करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव टू मेक अ कार्ड, अगर आपको कोई कार्ड बनाना है तो आपको पहले क्या चाहिए, एक पेपर का शीट चाहिए, तभी तो सीजर से कट करोगे उसको। तो सीजर्स हैं भी आपके पास तो क्या मतलब, अगर आपके पास पेपर की शीट नहीं है तो डीएनए आइसोलेशन, मतलब आपको अगर कुछ भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमको पहला स्टेप क्या चाहिए, हमारा डिजायर्ड जीन, ठीक है, या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कर ले, डीएनए को आइसोलेट कर ले। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, पूरी सेल होती है, ठीक है। क्या होती है, हमारे पास एक पूरी सेल होती है, ठीक है। अब उस सेल में क्या होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, काफी क्या होंगे, आरएनए के स्ट्रैंड होंगे, प्रोटीन होंगे, और क्या होगा आपकी डिफरेंट लेयर्स होंगी, ठीक है। तो पहली लेयर क्या होती है हमेशा आपकी, सेल वॉल। पहली लेयर क्या होती है, सेल वॉल। हमें चाहिए डीएनए कंटेंट, तो क्या हम इन सारी चीजों का कोई मतलब है यहाँ पे, कोई मतलब है, नहीं है। तो ये बैरियर्स क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, ये बैरियर्स हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बैरियर क्या होता है आपका, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है आपकी, हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल क्या होगी, अलग अलग होगी। इफ इट इज ऑफ, मैं फंगस की बात करूं तो कौन सी सेल वॉल होगी यहाँ पे, फंगस की बात करूं काइटिन। तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, काइटिन, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, लाइसोजाइम। कौन सा होगा आपका, लाइसोजाइम, ठीक है।
और अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। प्लांट सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, तो एंजाइम कौन सा यूज होगा आपका, सेल्यूलेज। ठीक है, सेल वॉल हट गई हमारी, अब हम किस पे आ जाएं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है बेटा, लिपिड्स, लिपिड से बनी होती है, लिपिड बाय लेयर होती है। तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, लाइपेज। ठीक है, फिर हम आरएनए हटा देते हैं। चलो, तो आरएनए हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आरएनएज एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, आरएनएज एंजाइम का यूज करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोटीन, तो प्रोटीन हटाने के लिए क्या कर दें, प्रोटीएजेस। ठीक है, आपके प्रोटीएज एंजाइम्स का यूज करेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंजाइम जो है आपके प्रोटीन लेयर भी हट गई। अब बचा क्या हमारे पास, सेल वॉल हटा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दिया, आरएनए हटा दिया, प्रोटीन हटा दिया, सारी चीजें हट गई। अब बचा क्या, केवल आपका जो जेनेटिक मटेरियल हमको चाहिए था, डीएनए हमारे पास बचा है। ठीक है, अब चूंकि हमको डीएनए पे ही वर्क करना है, तो क्या हम कभी डीएनए यूज करेंगे, डीएनए यूज करेंगे क्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस चीज को दिमाग में डाल लो, नेवर यूज डीएनए। डीएनए यहाँ पे यूज करेंगे क्या, वरना डीएनए डिग्रेड हो जाएगा, और डीएनए डिग्रेड हो जाएगा तो हमको फिर कुछ मिलेगा ही नहीं, काम ही हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं डीएनए आइसोलेशन में, आपके सबसे पहले सारा ये जो लेयर थी इनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जितने बैरियर्स थे रिमूव कर दिया। और अब क्या करेंगे, जब लास्ट स्टेप में हम डालते हैं क्या, हमको चाहिए प्रेसिपिटेशन। किसका प्रेसिपिटेशन चाहिए, डीएनए, क्योंकि बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड हैं लेकिन वो क्या है, अलग अलग है तो समझ में नहीं आते। हमें चाहिए कि हमारा जो भी सैंपल है उसमें डीएनए क्या हो जाए, एक साथ आ जाए सारे स्ट्रैंड। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन करवा ले, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल डालेंगे, क्या डालेंगे, चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा बेटा, और इस प्रेसिपिटेशन को स्पूलिंग आउट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम अपने किस पे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे, किस पे आ जाते हैं। अब डीएनए तो मिल गया, आप कटिंग करवा दें इसकी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब हमको डीएनए मिल गया, लेकिन अब हमको जितना आपका पार्ट चाहिए उसको किससे कट करवाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, क्योंकि पूरा डीएनए आपका 2 मीटर का डीएनए तो चाहिए नहीं, कैसा चाहिए हमको, कैसा चाहिए, एक पर्टिकुलर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उस डीएनए से, कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मकसद क्या है, कि कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनाए, प्रोटीन है, एंजाइम है, ठीक है, आपके एंटीबायोटिक से, तो कुछ एक अलग सा बनाना है। तो पूरे डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, आपका जीन होता है। ठीक है, तो हमको चाहिए काफी सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो कट किससे करवाएंगे, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, विच इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है इसको। क्यों, क्योंकि ये कटिंग का काम करता है। कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है बेटा, कहाँ से आइसोलेट किया गया है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, बैक्टीरियल सेल से इसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, क्या ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म देता है, किसको, प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, अगर आपका वायरस आया बैक्टीरियल सेल में, तो ये जो एंजाइम है ये रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रोक देंगे, किसको रोक देंगे, वायरल इन्फेक्शन होने से, जो आपका वायरस का वायरुलेंट होगा उसको कट कर देंगे। ठीक है, उसके डीएनए को कट कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका कर क्या रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है किसको, बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को। काम क्या कर रहा है, ये यहां से क्वेश्चन आता है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है किसको, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया को। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन, क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका, सॉरी इन्फेक्शन ऑफ वायरस, ठीक है, जो आपका वायरस का इन्फेक्शन है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक देता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, दूसरी चीज आपका, सबसे फर्स्ट कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड आउट किया गया, तो कौन सा है आपका, ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड है। ठीक, ये याद रख लेना। ठीक,
अब दूसरी चीज कि यहाँ पे एक बात बताओ कि बैक्टीरिया अपने आप को कैसे डिफेंस कराएगा, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि डीएनए देखा और कट कर दिया, ठीक है, डीएनए देखा और कट कर दिया, तो बैक्टीरिया के पास भी तो अपना जेनेटिक मटेरियल है, तो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को भी तो कट कर देगा, बैक्टीरिया के भी जेनेटिक मटेरियल को कट करेगा, इन दैट केस क्या होगा बताओ? तो बैक्टीरिया को भी तो अपना डिफेंस करना है, तो बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम है, कौन सा? डीएनए मिथाइलेज। किसने इसको डिस्कवर किया था? मैम हॉल्टन एंड कोवर्कर। किसने किया था? हैमिल्टन स्मिथ एंड कोवर्कर्स ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है, आपका डीएनए मिथाइलेज। अब देखो ये डीएनए मिथाइलाइज करता क्या है, ठीक है, बैक्टीरिया में टैगिंग कर देगा, क्या कर देगा ये? बैक्टीरिया में टैगिंग कर देगा, पहचान बना देगा कि ये वाला बैक्टीरिया जो आपका डीएनए है वो किसका है, ये मेरा खुद का डीएनए है, इसको कट नहीं करना है, ठीक है, और जिसमें डीएनए मिथाइलेज नहीं जुड़ा हुआ है वो वाले डीएनए को कट करना है। तो ये क्या कर रहा है? पहचान रिकॉग्नाइज करवा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपका रिस्ट्रक्शन एंजाइम से बचा रहा है कट होने से, ठीक है। यस सर। और किसके डीएनए को बचा रहा है? बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से? दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं आपके, एक एक्सो न्यूक्लियस और दूसरा आपका क्या होता है? एंडो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्सो मतलब आपका कहाँ से कट करेगा? टर्मिनल एंड। कहाँ से कट करेगा? टर्मिनल मतलब क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता? किनारे से, ठीक है, जैसे ये पूरा फ्रेगमेंट है ना, तो यहाँ से कट करेगा या फिर यहाँ से, ठीक है, टर्मिनल से कट करेगा, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा? टर्मिनल एंड से कट करता है, और ये कैसा करता है? आपका विद इन डीएनए कट करता है, ठीक है, कहाँ कट करेगा ये? आपका विद इन डीएनए, बीच में से कहीं से भी कट करेगा, ठीक है। तो इसका ये 5' to 3' भी कट कर सकता है और 3' to 5' भी कट कर सकता है, ठीक है। आपका एक्सोन्यूक्लियसेस टाइप क्या क्या है, इसके एग्जांपल क्या क्या है? आपका एक्सोन्यूक्लियसेस वन, एक्सोन्यूक्लियस वन एंड टू, ठीक है, ये इसका क्या है? एग्जांपल है। और आपका इसके एग्जांपल क्या होंगे? इको आर वन, ठीक है, एग्जांपल सबके याद रखना, इन थ्री, ठीक है, बाम एच वन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? एंडोन्यूक्लियस के। करेगा क्या बेटा ये एंडोन्यूक्लियस आपका? विदिन डीएनए स्पेसिफिक साइट्स को कट करेगा, ठीक है। कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? फॉस्फोडाइस्टर, ये याद रखना, कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे आपके? इट ब्रेक्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसके बीच पाया जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? Between the nucleotides. ठीक है, between the nucleotide, जो आपके nucleotide की bone arrange होती है, उस nucleotide की bone के बीच क्या पाया जाएगा? आपका phosphodiester bond, और यही यहाँ से cut हो जाएगी, ठीक है, clear है। अगर nomenclature की बात करें तो nomenclature में चलो अगर बात करें कि आपका क्या है, eco R1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? इसके नॉमनक्लेचर क्या होता है? सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? जीनस की। किसकी बात करते हैं? जीनस, ठीक है। फिर किसकी बात करते हैं? स्पीशीज, ठीक है। फिर स्ट्रेन, स्ट्रेन, और फिर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, कि ये आइसोलेट कब किया गया था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जीनस क्या है इसका, जल्दी से बताओ? एस्चेरिचिया। स्पीशीज क्या है आपकी? कोलाई। और स्ट्रेन कौन सा है? R5/13। और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या है आपका? वन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमनक्लेचर का तरीका, ये हो गया आपके किसका? नॉमनक्लेचर का तरीका, ठीक है, क्लियर है ये इतना यहाँ तक? जो लोग नहीं थे प्रीवियस क्लासेस में, ध्यान से सुनना, और बाकी सारे लोग भी रिवीजन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, अवॉइड करने लायक चैप्टर नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होगा, कैसे कट करेगा, ठीक है, काम क्या है इसका? कट करना, ठीक है, काम क्या है इसका? कट प्रोवाइड करना।
तो अब कैसे कट प्रोवाइड कर रहा है, कैसे कट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो कैसे कट प्रोवाइड करेगा, एक आपका कट होता है कौन सा, स्टिकी एंड जनरेट करवाएगा, ठीक है? एक क्या होता है आपका, स्टिकी एंड, ठीक है? और दूसरा कैसा होता है आपका, ब्लड, ब्लड, ठीक है? दूसरा कैसा होता है आपका, ब्लड, ठीक है? चलो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक आपका सीक्वेंस लिख देती हूँ, जी ए ए टी टी सी, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बनेगा जल्दी बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बनेगा मैम, सी टी टी सी ए ए ए जी, सी टी 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 ए ए जी, ठीक है? ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जिन लोगों को नहीं पता हो तो क्या होता है आपका, जी का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा किसके किसके साथ बनता है बेटा, जी किसके साथ पेयर करता है आपके, सी के साथ, ठीक है? ट्रिपल बॉन्डिंग से, किससे करता है आपका, ट्रिपल बॉन्डिंग से, ठीक है? इस तरह से बॉन्डिंग होती है, जी की बॉन्डिंग किसके साथ होगी और ए की किसके साथ होगी, टी के साथ, किसी को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अगर ऊपर जी है तो नीचे क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, सी ही आएगा, और अगर ए है तो क्या आएगा, टी ही आएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर आरएनए होता तो क्या चेंजेस आ जाते, एंटीकोडन के साथ थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता, ठीक है? ए के साथ किसका बॉन्ड बनता है यहाँ पे, यूरेसिल, ठीक है? थायमिन की जगह क्या आ जाता आपका, यूरेसिल आ जाता, ठीक है? तो ये आरएनए का हो जाता, ठीक है? बस इतना सा डिफरेंस आता है। अब देखो अगर कैसे कट कर रहा है, एक कट यहाँ से कर दिया, ठीक है? एक कट कहाँ से कर दिया हमने, यहाँ से, और एक कट कहाँ से कर दिया हमने, यहां से, इस तरह से कट कर दिए, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरह की का जो कट होता है, एक इस वाले साइड से किया आपने और एक इस वाले साइड से किया, जो ये वाले कट होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके, स्टिकी एंड। ये कैसा होते हैं आपके, स्टिकी एंड जनरेट करवाते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, ओवरहैंगिंग एंड, ठीक है? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, जब ये इस तरह से कटेगा, यहां से इस तरह से आपके कट जनरेट होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ओवरहैंग करता है एक दूसरे के ऊपर, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर, ठीक है? इसलिए इसको ओवरहैंगिंग भी बोला जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, ये याद रखना, ठीक है, कि कौन सा आपका स्टिकी एंड जनरेट करवाएगा और कौन सा जो है आपका ब्लंट एंड जनरेट करवाएगा। तो स्टिकी एंड के एग्जाम्पल कौन से होते हैं आपके, बैम एच वन, कैसा एंड जनरेट करवाएगा, बैम एच वन, स्टिकी एंड, ठीक है? क्ला फर्स्ट, ठीक है, इको आर वन, और आपका हिन थ्री, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके, स्टिकी एंड जनरेट होंगे। लेकिन अगर यही स्ट्रैंड होता आपका, ठीक है, यही सेम स्ट्रैंड होता, ठीक है, लेकिन कट कहां से हो जाता, एक कट यहां से करते, एक कट यहां से करते, और दूसरा कट भी कहां से लगाते, यहीं से, सेम पॉइंट से कट करते, ठीक है? ऊपर नीचे दोनों स्ट्रैंड को कहां से कट कर रहे हैं, सेम प्लेस से कट कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ एंड इज कॉल्ड एज ब्लंट एंड। ऐसे एंड को क्या बोला जाता है आपका, ब्लंट एंड, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका, इस्मा वन, ठीक है, और इको आर वन भी इससे कट करता है, ठीक है, क्लियर है? तो दो तरीके के एंड हो गए आपके, एक इस तरह से कट करेगा और एक आपका सेम प्लेस से कट करेगा, तो ब्लंट एंड हो जाएगा, या इसको फ्लश एंड भी बोला जाता है, क्लियर है? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एटीपी एंजाइम है बेटा, कट कर रहा है, एनर्जी लगेगी, लगेगी, एटीपी रिक्वायर होगा या नहीं होगा, एनर्जी लगेगी, एटीपी रिक्वायर होगा, ठीक है? कैसा होता है ये आपका एंजाइम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वाला होता है, ठीक है? मतलब दोनों साइड से सेम ओरिएंटेड रहता है, चाहे आप पीछे से पढ़ो चाहे आगे से, ठीक है? एक्टिविटी कैसी होगी इसकी, एक्टिविटी कैसी होगी, स्पेसिफिक एंड पे कट कर रहा है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी को भी, हर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइड पे कट करेगा, और एमजी टू प्लस यहाँ पे एज अ को फैक्टर पाया जाता है, ठीक है? ये इसके कुछ क्या हो गई, प्रॉपर्टीज, ये क्या हो गई आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टीज हो गई,
ठीक है। अब क्या किया हमने, अगला क्या किया, अगला टूल लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला टूल क्या लिया आपने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल बनता है वो किसका बनता है, अगरोस। कौन सा जेल लेते हैं, अगरोस। क्या है ये आपका, सीवीड होता है, इसमें काफी सारे बफर इन्वॉल्व होंगे, कास्टिंग ट्रे इन्वॉल्व होगी, और इसमें हम करते क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया जाता है। ये काम क्या कर रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, सेपरेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे नहीं करता, किसके बेसिस पे कर रहा है, क्योंकि चार्ज सब पे सेम है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये चलेगा, ठीक है। इसमें दो डाई पाई जाएगी आपकी, ब्रोमोफिनॉल ब्लू पाई जाती है, जो कहाँ होती है आपकी, अगरोस जेल के साथ डालते हैं, और दूसरा सॉरी आपके डीएनए के साथ डालेंगे तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू डालेंगे, और अगर उस जेल में जो डालते हैं वो कौन सी डालते हैं, ईटीबीआर, ठीक है, कौन सी डालते हैं, ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड। काम क्या है, कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। और क्या करती है ये, ईटीबीआर करती क्या है आपकी, विजुअलाइजेशन करवाती है, हाँ, आपका ऑरेंज कलर का डीएनए का बैंड दिखेगा। क्लियर है ये चीज इतनी, क्लियर है। अगला आपका क्या होता है टूल, अगला टूल क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, आपके वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स क्या है आपके, जीन टैक्सी बोला जाता है इसको, ठीक है, व्हीकल्स है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको क्या करेंगे, इसमें होस्ट में हम पहुंचाएंगे, ठीक है, एज अ व्हीकल का आप किसको, फॉरेन डीएनए को ले जाता है होस्ट सेल में। कैसा होता है बेटा, सेल्फ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, ओराइसाइट पानी चाहिए, ठीक है, ओराइसाइट पानी चाहिए, ठीक है, क्यों, ताकि रेप्लिकेशन, तभी तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, ठीक है। अब किसमें पाए जाते हैं, ये आपके प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं एंड यूकैरियोट्स में भी वेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। साइज ऑफ वेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है, साइज ऑफ वेक्टर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और क्लोनिंग साइट जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसमें, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए आपके, सेलेक्टेबल मार्कर, जिससे हम क्या कर लेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से, हम क्या करेंगे, हाँ, रिकॉम्बिनेंट मार्क हमारा डीएनए बना या नहीं बना, और वो ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, ये पता लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। आप एग्जांपल पे आ जाए तो पहला एग्जांपल क्या है था, प्लाज्मिड, पीबीआर 32, ठीक है, प्लाज्मिड लिया हमने, प्लाज्मिड है क्या बेटा आपका, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, मैम प्रोकैरियोटिक, ठीक है, बैक्टीरिया से लिया है, तो क्या है आपका, ये प्रोकैरियोटिक है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर, और डबल स्ट्रैंडेड, प्रॉपर्टी बताओ, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, क्लियर है। थर्ड आपका क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा या नहीं, अगर वेक्टर में रख दिया है इसको तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर और क्या होगा आपका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है। और वायरुलेंस होगा या नहीं होगा, यस यस, यहाँ पे आपका वायरुलेंस भी होगा, ठीक है। पहला आपका कौन सा था, पीबीआर, कौन सा है हमारा, पीबीआर 32, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफी सारे आपके क्या होंगे इस पीबीआर 322 में साइट्स पाए जाते हैं, ठीक है, काफी सारे रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट पाए जाते हैं यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे जो रीजन पाए जाते हैं, रीजन कौन कौन सा होता है यहाँ पे, मैम ओराइसी होगा आपका,
ठीक है, आरओपी होगा एम्प्लिसिन रीजन। फिर यहाँ पे इस साइड पे कौन सा रेजिस्टेंस होता है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे कौन सा वाला होता है आपका? एम्पिसिलिन। ठीक है, इन पे डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं आपके? कौन सा, ये याद रखना है। ठीक है, BAMH1 पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका आरओपी में कौन सा पाया जाता है? PVU2। ठीक है, एम्पिसिलिन में कौन सा पाया जाएगा? ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? तीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से आपके? HIND3 पाया जा रहा है, EcoR1 पाया जा रहा है, और कौन सा पाया जा रहा है? क्लावन। कौन सा? क्लावन। क्लावन ठीक है, क्लावन पाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। फिर क्या होगा यहाँ पे? अब देखो, ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। अगर क्या किया जाए यहाँ पे इसी डायग्राम में देखो, अगर कोई भी जीन, कोई भी फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवा दिया जाएगा, जिस भी साइट पे इंसर्ट करवाया जाएगा वो साइट डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। तो जब भी किसी चीज की सीक्वेंस इधर उधर हो, क्या वो प्रॉपर वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो अगर हमने जीन कहाँ डाल दिया? टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में डाला। ठीक है, मान लो BAMH1 से कट कराया। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि जीन यहाँ पे डाला है? क्योंकि उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाएंगे। ठीक है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाएंगे वेक्टर को भी, उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे हम अपनी डीएनए फ्रेगमेंट को भी। ठीक है, अगर सेम एंजाइम से कट करवाया है तो क्या हो जाएगा? ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की साइट है, क्या वो अब प्रॉपर वर्क करेगी? बेटा बोलो जल्दी, हाँ या ना? प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ आ गया डिस्टरबेंस। पहले ये साइट पूरी थी, लेकिन हमने मान लो यही कट लगा के क्या किया, अपना एक डीएनए यहाँ पे डाल दिया, अपना एक डीएनए यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ जब डीएनए डाल दिया तो क्या ये साइट अपनी प्रॉपर वर्क करेगी? यहाँ पे तो ये चेंजेस आ गए ना, तो ये नहीं करेगी। तो अब क्या ये टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस काम करेगा? नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं इसको एज ए सेलेक्टेबल मार्कर बनाने के लिए, दो मीडिया लेते हैं, एक में एम्पिसिलिन वाला कल्चर डालते हैं, एक में टेट्रासाइक्लिन वाला। ठीक है, और जब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बन जाता है तो हम उसको उसमें ग्रो कराते हैं। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल BAMH1 से कट कराया था तो यहाँ पे ही आके हमारा डीएनए फ्रेगमेंट अटैच होगा, लाइगेट हो जाएगा, तो ये वाली साइट डिस्टर्ब। तो अब क्या टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंस में ये ग्रो करेगी? नहीं ग्रो करेगी। ठीक है, जबकि आपके एम्पिसिलिन वाले में ग्रो करेगी। इससे ये पता चल जाता है कि जो हमने ये किया है प्रोसेस, वो क्या हो गई है, सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस मैम। ठीक है, फिर एक और आते हैं आपके, कौन से? PUC18 पे आते हैं। PUC18 क्या करता है आपका? यहाँ पे काफी सारे आपके मल्टीपल क्लोनिंग साइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इस वाले में बेटा? मल्टीपल क्लोनिंग साइट पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ एक साइट होती है आपकी लैक्जेट की, यहाँ पे एक साइट होती है आपकी किसकी? लैक्जेट की। ठीक है, लैक्जेट जीन यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे काफी सारी मल्टीपल साइट पाई जाती है। ठीक है, यहाँ कौन सा आपका पाया जा रहा है? लैक्जेट। ठीक है, ये लैक्जेट जो है आपका, ये क्या होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी। कौन कौन सी यहाँ पे होगी? SAL1, EcoR1, SMA1। ठीक है, SMA1 और PST1, BAMH1, BAMH1 और आपके HIND3। अगर इनमें से किसी का भी डाइजेशन दे दिया तो क्या लैक्जेट प्रॉपर वर्क करेगा? लैक्जेट प्रॉपर वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि साइट डिस्टर्ब हो गए। तो ये नॉर्मल वे में क्या काम करता है? लैक्जेट किसको प्रमोट करता है आपका? लैक्जेट किसको प्रमोट करता है बताओ? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। नॉर्मल कंडीशन में कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या रिलीज करता है? यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है बेटा, ये एक एंजाइम है। ये है क्या आपका? ये एंजाइम। तो इसका एक सबस्ट्रेट होता है एक्स गाल। इसका एक सबस्ट्रेट होता है क्या आपका? एक्स गाल। एंजाइम है, सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, बाइंड करेगा ये दोनों एंजाइम सबस्ट्रेट। तो जब ये दोनों बाइंड करते हैं तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है विच इज किस कलर का बनता है? ब्लू कलर का। प्रोडक्ट कैसा बनता है आपका?
ब्लू कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो हम एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे, ठीक है। अब इन दैट केस हमने मान लो इको आर वन से डाइजेस्ट करवा दिया, तो साइड डिस्टर्ब हुई, इको आर वन वाली साइड डिस्टर्ब हो गई, यहाँ हमने अपना दूसरा डीएनए डाल दिया, ठीक है। अब लैक्सेट जो है आपका, लैक्सी है क्या ये प्रोड्यूस करेगा लैक्सेट जी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को? मैम नो मैम, नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं होगा, ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो एक्स गाल रखा हमने मीडियम में, लेकिन बाइंड करेगा क्या? नो मैम, नहीं बाइंड करेगा। तो ब्लू कलर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कौन सा कलर आ जाएगा आपका? व्हाइट कलर। तो अब हम इस ब्लू और व्हाइट कलर को आइडेंटिफिकेशन मान लें, बताओ। ब्लू और व्हाइट कलर को हमने क्या मान लिया? आइडेंटिफिकेशन मान लिया कि अगर ब्लू कलर आ रहा है दैट मीन्स आपका रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। ब्लू कलर आ रहा है तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, ये दिमाग में डालो। और व्हाइट कलर आ रहा है तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा या नहीं? बनेगा। देखो मान लो यही क्वेश्चन आ जाए पूरा कहानी के जैसे लिख के कि ये था, ये थी, हमने इससे डाइजेस्ट किया और फिर ऐसा किया, अब व्हाइट कलर आया, तो बताओ आरडीएनए बना या नहीं बना, क्या रिजल्ट है ना? तो अगर व्हाइट कलर आ रहा है तो आरडीएनए बनेगा ही बनेगा, और ब्लू कलर आ रहा है मतलब कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं है, वो अपना ओरिजिनल दे रहा है वर्क, मतलब यहाँ कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ है, तो दैट्स व्हाई क्या बनेगा आपका, कौन सा कलर? ब्लू कलर। से याद रखेंगे एज अ मार्कर, ठीक है। अब बैक्टीरिया में तो प्लाज्मिड पढ़ लिया, प्लांट में कौन सा होता है बेटा? प्लांट के केस की बात करें कौन सा होता है आपका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम होता है आपका, ठीक है। प्लांट की बात करें तो एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेशियन, ठीक है। ये इसमें क्या होता है आपका, कौन सा पार्ट लिया जाता है एग्रोबैक्टीरियम का, कौन सा पार्ट लिया जाता है एग्रोबैक्टीरियम में? पाया जाता है टी आई प्लाज्मिड, ठीक है। क्या लिया जाता है यहाँ पे? टी आई प्लाज्मेट, ठीक है। और यही टी आई प्लाज्मेट जो है साइंटिस्ट ने क्या देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस पाया जाता है सॉइल में, ठीक है। जैसे ही कोई प्लांट को चोट लगी ये क्या करता है, प्लांट अपने लिए फिनोलिक कंपाउंड जनरेट करता है, ठीक है, एसिटोस्ट्रिंगोन। अब ये जैसे ही सिक्रेट करेगा एग्रोबैक्टीरियम को मिलता है सेंस और ये आ जाता है प्लांट के अंदर, और ये जो अपना ये खुद पूरा नहीं जाएगा, ये जो टी आई प्लाज्मिड है इसको कहाँ भेज देता है? प्लांट के अंदर, पूरा खुद नहीं जाता, कौन जाता है आपका? टी आई प्लाज्मिड, यही वाला रीजन जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अगर ये ऐसा होता है तो ये जो टी आई प्लाज्मिड वाला रीजन है इसको कट किया जाए टी डीएनए को, और इस टी डीएनए वाले रीजन में हम क्या डाल दें? अपना फॉरेन डीएनए, ठीक है। पाया कहाँ जाता है ये आपके? डाइकॉट प्लांट, कहाँ पाया जाता है? डाइकॉट प्लांट, ठीक है, ठीक। और ये क्या कर देता है? क्राउन गॉल डिसीज, क्या करता है आपका? क्राउन गॉल डिसीज, ये भी याद रखना, ठीक है, क्राउन गॉल डिसीज कॉज कर देगा, ठीक है। क्या करेगा? क्राउन गॉल डिसीज कॉज कर देगा, ठीक है। अब ये जो है क्यों कर देता है बेटा यहाँ टी आई, क्या देखो क्राउन गॉल डिसीज में क्या होता है वही बताने जा रही हूँ। यहाँ टी आई प्लाज्मिड पे क्या होता है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की साइट्स पाई जाती है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की साइट पाई जाती है। अगर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन पड़ा होगा, क्या है ये? ग्रोथ हार्मोन है किसके? प्लांट के। तो एक्सेसिव ग्रोथ करने लग जाएगा, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ करने लग जाएगा, तो क्या होगा? ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। अब एक्सेसिव किया ही जा रहा है, किया जा रहा है, तो वो एक पार्ट पे क्या होने लगेगा आपका? काफी ग्रोथ होने लगती है, विच इज नोन एज क्राउन गॉल डिसीज, ठीक है। आया समझ में? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो टी डीएनए वाला रीजन है ऑक्सिन साइटोकाइनिन के साइट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रोथ होने लग जाती है काफी सारी, ठीक। अब यहीं पे हमने क्या किया, टी आई प्लाज्मिड में टी डीएनए को हटाया और क्या डाल दिया यहाँ पे? डिसआर्म किया इसको, फॉरेन डीएनए डाल दिया, और क्या करेंगे अब हम? अपना जो भी प्लांट है जहां पे भी डालना है हमको अपना फॉरेन डीएनए वहां पे डाल देंगे। प्लांट के केस में अगर कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं हम, तो कौन सा आपका टूल लेंगे, कौन सा वेक्टर लेंगे? एग्रोबैक्टीरिया, उसका भी टी आई प्लाज्मिड, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। फिर कौन सा होता है आपका? बैक्टीरियोफेज, लैम्डा फेज वेक्टर यूज किया जाता है इसमें। कितने केबी का? 20 केबी, ठीक है। लैम्डा फेज यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ वेक्टर, और कितना आपका साइज कितना है यहाँ पे? अप टू 23 केबी, ठीक है। कॉस्मिड एक आ गया, फिर उसके बाद एक और कौन सा होता है आपका? कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या करता है आपका? कॉस प्लस, कॉस साइड किसकी?
लैम्डा फेज. लैम्डा फेज ठीक है. लैम्डा फेज की आ गई कॉस साइड. ठीक है किसकी? लैम्डा फेज की कॉस साइड. और बाकी का हिस्सा किसका? प्लाज्मिड. प्लाज्मिड प्लाज्मिड का. तो फ्यूजन हो गया. क्या कहलाया? कॉस्मिड कहलाया. लेंथ कितनी होगी है? 45 केबी तक करेगा. ठीक है अप टू. ठीक है क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या जरूरत पड़ी इन सारों की थोड़ा आगे पहुंचाने की? क्योंकि लेंथ हमको अगर ज्यादा करनी हो तब हम क्या करें? ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ तो इसलिए हमने ये सारे बनाए. फिर आपका एक याक होता है. क्या नाम होता है इस याक का? नाम बताओ. आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्रोमोसोमल बैक. ठीक है आपका क्या हो गया? ठीक है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होगा. इसकी क्या होता है? ये आपका मोर देन कितना ले लेगा? 1 MB. ठीक है मेगाबेस पेयर पे लेगा. ठीक है तो ये कहाँ किया जाता है? आपका जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें किसका यूज किया जा रहा है? आपके याक का यूज किया जा रहा है. ठीक है इसमें क्या क्या पाया जाता है? आपका टिलोमेरिक सीक्वेंसेस पाई जाएंगी, सेंट्रोमियर पाए जाएंगे और क्या पाया जाएगा? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस. क्यों? क्योंकि आपका ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है बेटा? यूकैरियोट है ना. यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. यूकैरियोट में कौन सा ओआरआई नहीं पाया जाएगा आपका? क्या पाया जाएगा? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस पाई जाएंगी. ठीक है फिर आते हैं एनिमल के केस में. अब एनिमल को भी तो प्लाज्मिड की जरूरत है. एनिमल केस में किसको करते हैं हम? रेट्रोवायरस को. ठीक है क्या है ये रेट्रोवायरस? है क्या रेट्रोवायरस आपका? आरएनए कंटेनिंग वायरस है. ठीक है क्या है? आरएनए कंटेनिंग वायरस है. इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको डिसआर्म करेंगे. क्या करेंगे इसको? डिसआर्म. वरना क्या हो जाएगा आपका? इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है तो फॉरेन डीएनए गया या नहीं गया? इन्फेक्शन तो चला ही गया. ठीक है तो डिसआर्म करने का मतलब क्या? वायरुलेंट साइट को हटा देना. डिसआर्म करने का मतलब क्या? कहीं पे भी डिसआर्म वर्ड आए दैट मीन्स उसका जो हथियार था, जो उसका वायरुलेंस करने वाला साइट था, वो हमने हटा दिया. अब क्या करेंगे? इंसर्शन करवाएंगे. किसका इंसर्शन करवाएंगे? फॉरेन डीएनए का. किसका इंसर्शन करवाएंगे आपका? फॉरेन डीएनए. और उसको कहाँ कर देंगे? डिलीवर कर देंगे. किसमें? आपके रेट्रोवायरस सेल में. ठीक है भाई फॉरेन डीएनए डाला रेट्रोवायरस में है लेकिन इसको ले कहाँ जाओगे? इंसर्ट कहाँ करवाओगे? एनिमल सेल में. ठीक है क्लियर है. अब आता है आपका कॉम्पिटेंसी विथ होस्ट. कॉम्पिटेंसी विथ होस्ट का मतलब क्या है? कि आपका जो डाइजेशन हुआ है वो क्या हो जाए आपका? पहली बात तो देखो वेक्टर और फ्रेगमेंट के बीच में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. उस कॉम्पिटेंसी को कैसे चेक करेंगे? अगर डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन दे दिए तो क्या कॉम्पिटेंट होगा? क्या कॉम्पिटेंट होगा? नहीं होगा. लेकिन अगर क्या करेंगे? सेम करेंगे. देखो इस चीज पे भी ध्यान रखना. सबसे पहला ध्यान यही रखोगे. अभी जब क्वेश्चन बड़े आते हैं ना आपके थोड़ा सा, तो चार लाइन का क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. तो पहला ध्यान क्या रखोगे? कि डाइजेशन दे किस से रहा है. क्या दोनों को सेम से डाइजेस्ट कर रहा है? सेम से नहीं कर रहा है तो पहले ही समझ जाना कि आरडीएनए तो बनने ही वाला नहीं. ठीक है तो ज्यादा फिर उस पर कुछ और ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है अब यहाँ होस्ट कॉम्पिटेंसी की बात करें तो होस्ट कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि आपका होस्ट इस पूरे वेक्टर को अंदर आने दे. ठीक है आपका होस्ट जो है वो क्या करेगा? इस पूरे वेक्टर को अंदर आने देगा. अगर नहीं दे रहा है तो कॉम्पिटेंट है क्या फिर? नहीं है. इस कॉम्पिटेंसी को बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस होस्ट कॉम्पिटेंसी को बनाने के लिए क्या करते हैं हम? कुछ प्रोसेस करते हैं. ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे यहाँ पे कॉम्पिटेंसी को जनरेट करने के लिए? सबसे पहले तो क्या करते हैं? डाइवेलेंट आयन. ठीक है डाइवेलेंट आयन से ट्रीट किया जाएगा. फिर दूसरा क्या किया जाएगा आपका? हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा. क्या किया जाएगा यहाँ पे? हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा. और वो ट्रीटमेंट क्या होगा आपका? 42 डिग्री 5 और 42. ठीक है 42 5 डिग्री सेल्सियस और फिर से 42. ठीक है इससे क्या होता है? आपकी जो प्लांट सेल होती है पोर्स जनरेट हो जाते हैं और क्या करेगा? होस्ट सेल जो है वो आपके वेक्टर को अंदर आने देता है. ठीक है क्लियर. ये तो वेक्टर की कहानी हो गई. वेक्टर लेस करना चाहें तो मैं माइक्रो की कहानी हो गई. ठीक है वेक्टर लेस करना चाहेंगे तो क्या हो गया आपका? एक तो कर लो माइक्रो इंजेक्शन.
और दूसरा जीन गन मेथड, जीन गन और बायोलिस्टिक गन, दूसरा कर लेते हैं चलो जीन गन मेथड, ठीक है। लेकिन यहाँ आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट, माइक्रो इंजेक्शन हमेशा किया जाएगा किसमें बेटा, एनिमल सेल में। जीन गन किसमें किया जाएगा आपका, प्लांट सेल में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन क्या करते हैं, कहाँ पे डिलीवर कराएंगे आपके जीन को, न्यूक्लियस में, ठीक है, सीधे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस में कराएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपके गोल्ड टंगस्टन के क्या पाए जाते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा होगा आपका, कोटेड बाय डीएनए, हमारा जो एफडीएनए था उससे कोट कर दिया। और क्या किया, इसको बॉलिस्टिक्स भी बोला जाता है, इसका और एक नाम क्या है, बॉलिस्टिक्स, ठीक है, तो ये याद रखना, जीन गन बोलेंगे या फिर इसको बॉलिस्टिक्स बोलेंगे। एक आता है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन, यस मैम, नाम से पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोरेशन मतलब पोर्स जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड देने से पोर्स जनरेट हो रहा है, तो पोर्स जनरेट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो पोर्स जनरेट हो रहे हैं वहीं से आपका डीएनए इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं आपकी अगले उस पे क्या होता है आपका, ये सारी चीजें हो गई। फिर एम्प्लीफिकेशन कर लें, क्या कर लें यहाँ पे, एम्प्लीफिकेशन कर लें, किस प्रोसेस से, पीसीआर लगा देते हैं, जीन हमारा डीएनए वगैरह मिल गया, अब इसको क्या कर लें, मल्टीपल ऑफ कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या किया जाता है, इसके स्टेप्स पूछता है कि कौन सा सीक्वेंस में होता है। पहला स्टेप क्या होता है बेटा इसका, डीनेचुरेशन। पहला स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर कितना, 92-95 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है, इन्हीं में से ऑप्शन आएगा। फिर दूसरा स्टेप एनिलिंग, एनिलिंग करवा दिया, कितने डिग्री पे, 55-60 डिग्री के बीच में, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या करा दिया, एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये डीएई का सीक्वेंस याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, डीएई का सीक्वेंस याद रखना, 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर है। और इसका कैलकुलेशन, हाउ मेनी कॉपीज आर देयर, तो कॉपीज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 2n, ठीक है। अगर आपको n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइकिल, n इज नंबर ऑफ साइकिल, अगर नंबर ऑफ साइकिल बता दिया, चलो भाई नंबर ऑफ साइकिल क्या है, 8 है, तो कैलकुलेट कर लो, क्लियर है, नंबर ऑफ साइकिल कितना है, 8, तो 2 to the power 8 कर देंगे, नंबर ऑफ साइकिल 3 चला है, 2 to the power 3 कर देंगे, ठीक है, 30 साइकिल चला है तो 2 to the power 30 कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है। Yes, yes, 2 to the power 30 में कितना बनता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1 billion, ठीक है, कितनी कॉपीज बनेंगी आपकी, 1 billion कॉपी बनेंगी, क्लियर है। इसी से आरटीपीसीआर आता है आपका, जो कि हम एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, किस लिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के केस में, कोरोना में अभी हम इससे डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। यस मैम, यस मैम, ठीक है। फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं, ठीक है, किस पे आ जाते हैं आपके, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, अब जो भी हमने बनाया है अपना आरडीएनए और जो उससे प्रोडक्ट बनाया, वो हमको चाहिए लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी छोटे से वेसल्स में, लेबोरेटरी के अंदर नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, लार्ज स्केल कल्चर पे आपको बड़े बड़े वेसल्स दिए जाते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, हमारा रॉ मटेरियल डाल के इसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, क्लियर है ये। अब ये कैसा होना चाहिए आपका, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर उसमें जरा सा भी कंटामिनेशन आ गया, जरा सा भी कोई माइक्रोब्स आ गया या कुछ भी ऐसा आ गया, तो क्या हो जाएगा, जो बनना चाहिए था डिजायर्ड प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के टैंक लेते हैं हम, कौन कौन से, दो तरीके के टैंक लेते हैं आपका, कौन कौन से टैंक लेंगे आपके, एक स्टाइल, यहाँ प्रोसेस जिसमें हो रही है उसका नाम क्या है बेटा, ठीक है, दो तरीके का होता है आपका आपका टैंक, और एक क्या होता है आपका स्पार्क, ठीक है, लगभग सेम होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है, होगा क्या आपका सिलेंड्रिकल टैंक होता है स्टेट में बात करें तो, और नीचे से कैसा होता है आपका कर्वी होता है, नीचे से कैसा होता है कर्वी होता है, जिससे कि जो भी मटेरियल है वो प्रॉपर मिक्स हो सके, ठीक है। जो एयर दी जा रही है यहाँ पे, O2 दी जा रही है, वो पूरे जितना भी आपका सैंपल है सब में प्रॉपर मिक्सिंग हो सके, इसलिए इसको इस तरह से
रखा जाता है। क्या क्या चीजें होंगी, एक ऊपर एजिटेटर लगा होगा, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे, एजिटेटर, ठीक है, जो रोटेट करवाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है आपका, ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम लगा होता है। यस मैम। स्टीम पोस्टर, ठीक है। और क्या होता है आपका, फोम कंट्रोलर लगा होता है, क्योंकि जब कोई चीज एजिटेट होगी, काफी तेजी से रोटेट होगी, तो उसमें बनेगा फोम। लेकिन यहाँ हमको फोम चाहिए नहीं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोम कंट्रोलर लगा देते हैं, ताकि फोम जो है हमारा वो क्या हो जाए, फोम कंट्रोलर सिस्टम से हटता चला जाए, ठीक है। सबसे ऊपर लगा देंगे। फिर स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। पीएच घटना बढ़ना नहीं चाहिए, तो पीएच को कंट्रोल कर लिया। और क्या होना चाहिए आपका, सैंपलिंग पोर्ट लगा दिया। सैंपलिंग पोर्ट से क्या करेंगे बेटा, सैंपल ले सकते हैं, सैंपल को डालते जाएंगे, ठीक है। सैंपल को क्या करते जाएंगे, डालते जाएंगे। अब इस पार्ट वाले में क्या करते हैं, जो स्टेराइल एयर आ रही है, स्टेराइल एयर मतलब कंटामिनेशन फ्री, ठीक है, माइक्रोब्स फ्री, ये एयर बबल्स यहाँ पे डाले जाते हैं, बस यही इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और ये नीचे से कर भी नहीं होता, ठीक। चलो बायोरिएक्टर की प्रॉपर्टी की बात करें, तो माइक्रोब्स फ्री होने चाहिए, तो स्टेराइल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या नहीं, स्टेराइल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या नहीं, पीएच, प्रेशर, टेम्परेचर, आपका एरेशन, फोम रिमूवल और न्यूट्रिएंट मीडिया, सारी चीजें होनी चाहिए। यस मैम। एंटी फोमिंग एजेंट होना चाहिए। यस मैम। अभी जब यहाँ पे काफी तेजी से क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, हीट जनरेट होगी, तो वाटर, कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाए, टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। तो जो हीट का इफेक्ट है उसको नलीफाई करने के लिए कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और O2 दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, एरोबिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हो गया। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं आपका, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करें, ये अभी तक जितना पढ़ा सब अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग थी। डाउन स्ट्रीम में अब क्या आएगा आपका, यहाँ से लेके मार्केटिंग तक का जितना भी चीजें हैं वो किसमें आती है, आपके डाउन स्ट्रीम में। तो बन गया आपका पूरा प्रोडक्ट, प्यूरिफाई कर लो, क्या कर लो, प्यूरिफाई कर लो, ठीक है, सेपरेट कर लो उसको, प्यूरिफाई कर लो, सेपरेट कर लो। अब क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी का एनालिसिस करेंगे, है ना, कि भैया सही बना है या नहीं बना, ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, फिर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, भैया अभी क्लिनिकल ट्रायल तो कर लो, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल किया, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है आपका, ये सही से सही बना, सही रिजल्ट दे रहा है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं दे रहा, अब डाल दिया क्योंकि सही बना है, तो शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। तो शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएंगे, आपका प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर दिया जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये आगे हो गया आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब इनकी एप्लीकेशन पे अगर हम आ जाएं, ठीक है, अगर हम इनकी एप्लीकेशन पे आ जाएं, तो एप्लीकेशन पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कर लिया पूरा बायोटेक, अब क्यों किया इतना इतना लंबी प्रोसेस किया क्यों, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम अलग अलग फील्ड में देखते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में देखेंगे तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, जीएमसी बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब जीएमओ क्या होता है और जीएमसी क्या होता है, दो टर्म आते हैं बेटा यहाँ पे, एक जीएमओ होता है, जीएमओ मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म प्लांट है आपका तो क्रॉप लिख दें, ठीक है। अगर वो आपका क्या है, जीएमसी मतलब क्या, अगर वो ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, प्लांट है, तो यहाँ क्रॉप कर दो, बस इतना ही सा डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने क्रॉप्स बनानी शुरू की, क्रॉप्स बनाने के लिए दिमाग में क्या आया कि यार इतना ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं, सबसे पहली चीज तो हम अपने फूड को, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि हमको फूड रिसोर्सेस बहुत सारा चाहिए, तो पहला तो हमारा ये था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ कि हम अपने फूड को बहुत ज्यादा क्या कर दें, इनहेंस करें, ठीक है, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी हो उसमें, ठीक है। और काफी सारा फूड जनरेट करवाने के लिए क्या किया गया, काफी सारे केमिकल मेथड यूज किए गए, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, बायोटेक को इंसर्ट करवाया गया एग्रीकल्चर फील्ड में,
ठीक है। अब क्या किया गया, बायो पेस्टिसाइड्स बना लें, बायो इंसेक्टिसाइड्स बना लें। तो सबसे पहले क्या बनाया हमने यहाँ पे, क्या बनाया सबसे पहले, बीटी कॉटन, बायो इंसेक्टिसाइड बीटी कॉटन, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, बीटी कॉटन पे वर्क किया। तो कॉटन के प्लांट में क्या किया है हमने आपका, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस को क्या करवा दिया, बीटी जीन को इंसर्ट करवा दिया। होता क्या था बेटा यहाँ पे, जो लोग नहीं थे क्लास में सुन लो ध्यान से, यहाँ पे जो कॉटन होता था इसको क्या करते थे, इंसेक्ट एज अ फूड इनटेक करते थे, ठीक है। और यहीं पे जो आपका बैक्टीरिया था बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, इसको भी कभी कभी पार्शियली इनटेक कर लेते थे। लेकिन पाया क्या गया, अब कॉटन को जब ये इंसेक्ट कर रहा था ईट, तो क्या हो रहा था, कॉटन का जो फ्लावर है वो पूरा डैमेज किए दे रहा था, वही हमारा प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब ये बीटी जीन को कर रहा, सॉरी आपके बीटी बैक्टीरिया को कर रहा था, तो उस केस में क्या होता था, जो बीटी बैक्टीरिया होता है इसके पास एक डिफेंस सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो आपका बैक्टीरिया होता है इसके पास क्या पाया जाता है, डिफेंस सिस्टम पाया जाता है। क्या होता है इसके पास, इसके पास एक क्या पाया जाता है आपका, क्राई प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है इसके पास, क्राई प्रोटीन पाया जाता है। ये क्राई प्रोटीन जो है क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्राई प्रोटीन, ठीक है। इनएक्टिव होता है, कब इनएक्टिव होता है, जब बैक्टीरिया के पास रहता है। कब इनएक्टिव रहता है, जब बैक्टीरिया के पास रहता है। लेकिन जैसे ही ये पहुंचता है मिड गट में, किसकी, मिड गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट, जैसे ही ये मिड गट ऑफ इंसेक्ट में पहुंचा, ये क्या हो जाता है, वहां इसको मिलता है एल्केलाइन पीएच और ये हो जाता है एक्टिव। क्या मिलता है इसको वहां पे, एल्केलाइन पीएच एंड इट विल बी एक्टिवेटेड। अब ये एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही ये आपका क्राई प्रोटीन एक्टिव हुआ, इसने क्या करवा दी, लाइसिस करवा दी इंसेक्ट की, मिडगट की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को क्या कर दिया गया, कॉटन में इस जीन को, यहाँ से जीन लिया गया, कहाँ से जीन लिया गया, आपके बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से जीन लिया गया और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया, कहाँ, कॉटन के, ठीक है। इस बैक्टीरिया का हमने क्या किया, जीन लिया और इस जीन को कहाँ डाल दिया हमने, कॉटन के प्लांट में। अब बस एक क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, कि कॉटन के प्लांट में किसके थ्रू डाला होगा, ठीक है, आपका टीआई प्लस है ना, टी प्लाज्मिड से डाल दिया कहाँ, कॉटन में, और कॉटन कैसा हो गया, अब आपका ये कॉटन प्लांट कैसा हो गया, ट्रांसजेनिक बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब भी प्लांट इंसेक्ट आएगा, इसको इन्फेक्ट करेगा और इसको खाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपके क्राई प्रोटीन है, अभी तो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसमें भी इनएक्टिव रहेंगे क्योंकि इसका एल्केलाइन पीएच है नहीं, लेकिन जैसे ही मिडगट में पहुंचेंगे एल्केलाइन पीएच पाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और लाइसिस हो जाएगी बैक्टीरिया की, अरे सॉरी इंसेक्ट की, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा बेटा, ये जो प्लांट है वो कैसा बना है आपका, बायो इंसेक्टिसाइड, क्लियर है, क्या बन गया, बायो इंसेक्टिसाइड बन गया। सेम इसी से एक और क्या बना आपका, अगर ये तो जीन को ऐड करवा दिया हमने, ये तो हमने क्या किया, जीन को ऐड करवा दिया, अगर जीन को सब्ट्रैक्ट करवा दे, यहाँ पे जीन डाला है ना प्लांट में, अगर जीन को हटा दे, साइलेंस कर दे, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, नॉकआउट कर दिया जाए, तो भी क्या होगा, आपके प्लांट को रेजिस्टेंस दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया, आपका आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस है क्या आपका, जैसे मान लो कि तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने आरएनए को इंटरफेयर कर दिया उसके मैकेनिज्म, ठीक है, तुमने तुम्हारे फ्रेंड ने प्लान बनाया कि हमको जाना है मूवी देखने, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी नहीं चाह रही थी कि तुम जाओ, लेकिन उन्होंने तुम्हें सीधे नहीं मना किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुम्हारे फ्रेंड की मम्मी को फोन किया और उनको समझाया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ये है, तो अब फ्रेंड नहीं जाएगा तो तुम भी नहीं जाओगे, तो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। तो जो आपका मूवी का प्लान था वो क्या था, हमारा करेक्टर था, ठीक है, और तुम थे प्रोटीन और फ्रेंड क्या था तुम्हारा, आरएनए। तो इंटरफेयर कहां पे किया, प्रोटीन को कुछ नहीं किया, कैरेक्टर को कुछ नहीं किया, जिस जहां से इन्फ्लुएंस हो रहा था वहीं पे क्या कर दिया, रोक लगा दी। तो कहां इंटरफेयर किया है बेटा, आरएनए को क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, ठीक है, आरएनए को क्या कर दिया यहाँ पे बेटा, साइलेंस कर दिया। आरएनए साइलेंस तो प्रोटीन बनेगा क्या, नो मैम, प्रोटीन बनेगा क्या, डीएनए से हमारा बनता है आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और यही प्रोटीन आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स डेवलप कराएगा, ठीक है। अब क्या देखा गया
यहाँ पे देखा गया टोबैको के प्लांट में, किसमें किया गया बेटा ये? टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट में क्या देखा गया कि एक इंसेक्ट आपका सॉरी निमेटोड होता है, ठीक है, आपका जो निमेटोड है वो इन्फेक्शन करता है, कौन करता है यहाँ पे? निमेटोड। ठीक है, क्या नाम है इसका? ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा यहाँ पे? इन्फेक्शन कॉज कराता है, किसमें? आपके टोबैको के प्लांट में। तो ये करता क्या है, ये जो रूट्स होते हैं उसमें क्या कर देता है? काफी सारे नॉट्स बना देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो क्या किया गया, इस निमेटोड का ये वाला जीन लिया गया और इसके जीन को क्या कर दिया गया, पहले तो डिसार्म किया गया, ठीक है, क्या करेंगे, डिसार्म करेंगे कि नहीं, वरना तो इन्फेक्शन पहले ही कॉज करा देगा। और जब ये पहले ही ट्रीटमेंट दे दिया गया प्लांट, ठीक है, तो जीन लिया गया, उसको डिसार्म किया गया और उसको इंटीग्रेटेड करवा दिया गया, कहां? प्लांट में, ठीक है। अब इसने क्या किया, प्लांट में जाने के बाद इस जीन ने क्या किया, अब इस जीन ने आपके हाँ दो आरएनए बनाए, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए, और क्या हो गया यहाँ पे, हाइब्रिड टू गिव, ठीक है। अब इसने डबल स्ट्रैंडेड बना लिया, दोनों ने मिलके क्या बना लिया आपका, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जैसे ही आपका ये वाला निमेटोड का असली इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे अगर आपका निमेटोड वाला इन्फेक्शन आया तो ये क्या कर देगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड है ये इसको कट कर देगा, ठीक है, चॉप करवा देगा, और जो बनना चाहिए था प्रोडक्ट आपका जो रूट कॉज कर रहा था वो नहीं बनेगा। फिर दूसरा क्या किया, चलो प्लांट को बचा लिया, प्लांट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, फ्लेवर सेवर, ठीक है, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया, फ्लेवर सेवर। तो राइपनिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एंजाइम, क्या नाम होता है इसका, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेस, ठीक है, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेस। तो ये पॉलीगैलेक्टो यूरिनेस जो है इसको क्या कर दे, यही वाले जीन को हम क्या कर दे, इसी जीन को हम क्या कर दे यहाँ पे, साइलेंस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, साइलेंस हो गया ये जीन। तो जब ये जीन ही नहीं पाया जाएगा तो क्या ओवर राइपनिंग होगी, नहीं होगी, तो शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, टोमेटो की, ठीक है। ये फ्लेवर सेवर है क्या आपका, टोमेटो है, तो एक तरीके से एक फ्लेवर को सेव कर दिया, ठीक है। गोल्डन राइस पे आते हैं, गोल्डन राइस की केस में क्या किया गया है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस किया गया है, क्या किया गया है यहाँ पे, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस किया गया है, कैसे इनहांस किया गया है, बीटा कैरोटीन डैफोडिल से, ठीक है, क्या डाला गया है यहाँ पे, डैफोडिल से लिया गया क्या आपका, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन का जीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन का जीन लिया गया, उस जीन को क्या कर दिया गया, इंसर्ट करवा दिया गया किसमें, नॉर्मल राइस में, ठीक है। तो इसने क्या बना लिया आपका, विटामिन गोल्डन राइस, ठीक है, विच इज एनरिच्ड विद विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए से एनरिच्ड आपका राइस बन गया। अभी ये व्हाइट कलर का था, अब कैसा हो गया, येलो कलर का, कैसा हो गया, ये आपका पेल येलो कलर का हो गया, क्यों मैम, बिकॉज ऑफ द बीटा कैरोटीन, ये येलो कलर इज डोमिनेंट, बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है, क्योंकि बीटा कैरोटीन का जो प्रोडक्ट बनता है वो येलो कलर का, इसलिए इसका नाम दे दिया गोल्डन राइस। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किससे करवाएंगे आपका, बीटा कैरोटीन जिनका प्लांट है तो बेटा एग्रोबैक्टीरिया, क्लियर है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, विटामिन ए की डिफिशियंसी को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। अब बताओ, अब आते हैं हीरोडिन पे, हीरोडिन क्या है आपका मैम, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है आपका मैम, मेडिसिनल लीचेस में, मेडिसिनल लीचेस में पाया जाता है, लेकिन यहाँ से लिया आइडिया, ठीक है, इनके सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। अब यहाँ से लिया आइडिया और इसको क्या कर दिया बेटा, केमिकली सिंथेसाइज, सिंथेसाइज करवाया, और सिंथेसाइज करवा के क्या कर दिया,
कहाँ डाल दिया इसको? एक प्लांट में. कहाँ इंसर्ट करवा दिया इसको? इंसर्टेड इन प्लांट ब्रैसिका नेपस. कौन सा प्लांट? ब्रैसिका नेपस. ब्रैसिका नेपस में डाल दिया. अब ब्रैसिका नेपस में डाला तो क्या बनेगा इसके आगे जब फर्टिलाइजेशन करेगा? सीड्स बनेंगी. इन सीड से क्या कर लिया? प्यूरिफाई कर लिया. किसको? प्यूरिफाइड को. ठीक है. अब इसको यूज कहाँ किया आपका? सर्जरीज वगैरह में. ठीक है. अब मेडिसिन की बात करें तो काफी सारे मेडिसिन में हमने क्या किया? यूज किया. सबसे पहला तो क्या? इंसुलिन का प्रोडक्शन. ठीक है. इंसुलिन का प्रोडक्शन किसके ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं हम? डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट में पाया जाने वाला एक हार्मोन है. ठीक है. इसमें किया क्या गया आपका? यहाँ पे देखा गया कि ये जो साइट होती है वो क्या होती है आपकी? दो आपके चेन्स पाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है. और इसमें एक चेन और होती है आपकी सी चेन. लेकिन आपकी ये कैसे होता है आपका? ये वाला फॉर्म कैसा होता है? इनएक्टिव. ये वाला फॉर्म कैसा होता है? इनएक्टिव. ठीक है. जब हम इससे सी चेन को अलग कर देते हैं, जब हम इस वाले से, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, सी चेन यहाँ पे अलग हो जाती है तो क्या हो जाता है आपका? सी चेन अलग हो गई तो ये ए और बी वाला क्या हो जाता है आपका? एक्टिव हो जाता है. तो किया क्या साइंटिस्ट ने? एली लिली एक कंपनी थी आपकी, अमेरिकन कंपनी, इन्होंने क्या किया इससे? एमआरएनए बनवाया. ठीक है. बी ए चेन सिंथेसाइज करवाई और बी चेन सिंथेसाइज करवाया और इसको क्या कर दिया? एक्टिव इंसुलिन में चेंज कर दिया. है ना? क्या किसमें चेंज कर दिया? एक्टिव इंसुलिन में चेंज कर दिया और इट इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन. ठीक है. ये प्रोडक्ट बन गया और इसको क्या कर दिया गया? मार्केट में लॉन्च कर दिया गया. ठीक है. ये क्या है आपका? आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक प्रोडक्ट है और इसको क्या करा गया बेटा यहाँ पे? हेमिलिन को एज अ फॉर द आपका डायबिटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया. ठीक है. इंसुलिन दिया जाता है. जीन थेरेपी करवा दी. तो जीन थेरेपी में क्या किया था बेटा? जीन थेरेपी के लिए जो आपका एक सबसे पहले क्या किया था आपका? 4 years एक ओल्ड गर्ल ठीक है, विच इज सफरिंग फ्रॉम स्किड. क्या हो रहा था? विच इज सफरिंग फ्रॉम स्किड. स्किड क्या था आपका? स्किड था क्या? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी. मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो था वो डिफिशियंट हो गया था. ठीक है. क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम होता है. वो कौन सा एंजाइम होता है आपका? एडीए. कौन सा एंजाइम होता है आपका? एडीए. ठीक है. एडिनोसिन डीएमिनेस. ठीक है. एडिनोसिन डीएमिनेस नहीं बन रहा था. अब ये डीएमिनेस करता क्या है आपका? मैच्योर करता है किसको? टी सेल्स को. ठीक है. क्या करता है ये? मैच्योर करवाता है किसको? टी सेल्स को. तो अब टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगी तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा. इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा तो कोई सा भी आया, कोई भी आपका एंटीजन आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, कुछ भी आया तो कुछ ना कुछ डिसीज तो होगी ही. लाइक एड्स है ना, होगी ही. तो क्या मतलब, अब हम अगर दिन भर में बाहर निकलते हैं तो हमारे क्या होता है? हमारे आसपास बहुत सारे पैथोजेंस है. हम क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है ना, वरना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते. तो ये एडीए जो है वो क्या करा रहा है? मैच्योर करवा रहा है टी सेल को. और यही डिफिशियंट था, यही इसके अंदर क्या था आपका? डिफिशियंट था. ठीक है. ये डिफिशियंट था, ये था ही नहीं. तो अब क्या हो गया? मैच्योर टी सेल्स बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी. तो इम्यून सिस्टम वीक था. तो क्या किया गया यहाँ पे? देखा गया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि यह जो आपका मैच्योर टी सेल्स हैं वो बनने लगे. तो दिमाग लगाएगी कि क्यों ना ये जो एडीए है इसको दिया जाए. ठीक है. लेकिन एडीए तो डाल दे, लेकिन वही हो जाएगा जैसे इंसुलिन बार बार लिया जा रहा है वैसे उस तरह से करना पड़ेगा, है ना. तो बार बार कितनी बार करेंगे? तो ये तो टेम्पररी हो गया. फिर सोचा बोन मैरो करवा दें, लेकिन उसके लिए भी क्या होता है? लॉन्ग प्रोसेस होती है. देखा जाता है कि कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, काफी सारी चेक करने के बाद होता है. फिर जीन ट्रांसफर करवा दिया गया. क्या किया गया? इस 4 years ओल्ड जो बेबी थी इसका क्या किया गया? आपके डब्ल्यूबीसी की सेल ली गई. ठीक है. और इस डब्ल्यूबीसी की सेल्स में क्या डाल दिया गया बेटा? आपका एडीए वाला जीन डाल दिया गया. ठीक है. चलो प्रोसेस तो सक्सेसफुल हो गई. प्रोसेस तो क्या हो गई आपकी? सक्सेसफुल हो गई. चलो ये ऐसा बन गया. ठीक है. लेकिन हुआ क्या? अभी ये जो है इसका लाइफ स्पेन कैसा है? बहुत ज्यादा शॉर्ट था. तो क्या ये काम करेगा? नो मैम. क्या ये काम करेगा?
ठीक है, तो ये काम ही नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका भाई, 15 दिन के बाद खत्म, तो क्या 15 दिन के बाद फिर से यही जीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यही करते रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, हमने क्या आइडिया लगाया कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, किस कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही हम क्या कर दें, जीन को ट्रांसफर करवा दें। क्लियर है? तो कैसे किया जा रहा है? अब ये तो देखो बेटा, इस बच्ची पे किया गया, इसके ये तो आइडिया लगाया गया, ये तो क्या हो गया एक वहां पे एज अ उसके ऊपर रिसर्च करी गई, ठीक है, वहां से ये प्रॉब्लम देखी गई और ये चीजें सॉर्ट की गई। लेकिन ये हम करेंगे कहाँ, इस बच्ची में तो नहीं कर सकते थे हम ना, क्योंकि उसका उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला तो काम है नहीं अभी, तो ये आगे के लिए किया गया। तो इसमें किया क्या जाता है बेटा, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको क्या किया जाता है, आपका प्रीनेटल डायग्नोसिस की जाती है, ठीक है, बर्थ के पहले ही, और वहां पर चेक कर लिया जाता है कि क्या कोई आपका ऐसा डिसऑर्डर आ रहा है क्या, ठीक है, आपके जेनेटिक लेवल पे कोई डिसऑर्डर आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो उसी लेवल पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीन थेरेपी दे देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, उसी लेवल पे जीन थेरेपी दे दी जाती है। क्लियर है? ठीक है, और क्या हो जाएगा इससे, ये परमानेंट क्योर हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी परमानेंटली क्योर, ठीक है, बताओ समझ में आया? यस मैम, यहाँ तक यस क्लियर है सारा चीजें? Yes, तो ये हो गया आपका। और क्या करवाया था इसके आगे, और भी कुछ करवाया था ना मैम? एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज क्या है आपके, एथिकल इश्यूज क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नाम बता दो सबसे पहले तो। इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है ना, क्या करता है, जब भी कोई रिसर्च होगी, ठीक है, या कोई भी डिस्कवरी होगी तो हम क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे, एक कमेटी बना दिया, वो कमेटी अप्रूव करती है कि भाई ये जो रिसर्च हो रही है इससे किसी का हार्म तो नहीं हो रहा, ठीक है, मोरल ठीक चल रहा है इसका, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि किसी को हार्म पहुंच जाए, कुछ ऐसा इन्वेंशन हो जाए, या फिर कुछ भी गलत चीजें तो नहीं हो रही हैं, या ये कितना आपका इको फ्रेंडली है, या फिर ये देखेंगे कि कितना इससे बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीजों को क्राइटेरिया को रख के क्या किया जाता है, अप्रूवल मिलता है, ठीक है। तो हम किसी भी एनिमल पे या फिर किसी ह्यूमन पे ऐसे ट्रायल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वरना क्या होने लगता अभी तक कि ह्यूमन का ही चलो क्लोन बना लो, है ना, कर तो सकते, बायोटेक इतना वास्ट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यही देखा गया, उसके कुछ रेगुलेशंस बना दिए गए कि आप ये काम करेंगे इस तरीके से करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। फिर होता है बायोपेटेंट, बायोपेटेंट क्या होता है, अगर हमने कोई डिस्कवरी की तो हम क्या करेंगे, उसको रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, पेटेंट कर लेते हैं, ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है फिर उसके बाद, वो पर्टिकुलर, हाँ, जो भी साइंटिस्ट था, जो भी पर्सन था, उसके नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब उसकी परमिशन के बिना, ठीक है, ये आगे क्या होगा, कोई भी एमएनसी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो यूज नहीं कर सकता। इसी से रिलेटेड क्या होता है, बायोपायरेसी, ठीक है, इसीलिए बायोपेटेंट करवाया जाता है, क्योंकि बायोपायरेसी क्या है आपका, जैसे कोई भी चीज डिस्कवर्ड की, ठीक है, किसी और की डिस्कवरी थी लेकिन उसको क्या कर लिया, किसी और ने अपने नाम से ले लिया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, बायोपायरेसी। हमारे यहाँ तीन आपके ऐसी इंडियन क्रॉप थी, एक आपका कौन सा, बासमती राइस, दूसरा क्या था, नीम एंड टर्मरिक, नीम और आपका टर्मरिक, ठीक है, चलो ये तीनों थे, तो इनको क्या किया गया था यहाँ पे, यूएस ने पेटेंट कर लिया था, अमेरिकन कर लिया था, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोपायरेसी, ठीक है। ये पूरा आपका दोनों चैप्टर का आज एक शॉर्ट रिवीजन था, ठीक है, होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन वगैरह जब सॉल्व करोगे तो फटाफट बनेगा, आई थिंक आपका ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा, कि अब आपको इस चैप्टर में से चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बन ही जाएंगे, चाहे वो आपके सेलेक्टेबल मार्कर से, आपके वेक्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेक्टर से क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो अच्छे से क्या करना है, एक बार इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन देख लेना, सॉल्व कर लेना इसके, ठीक है, पूरा आज आपका हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, माइक्रोब्स पढ़ना है, बता दो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, बहुत कंसर्न वाला टॉपिक है, ठीक है, और बहुत अवेयरनेस वाला टॉपिक है, और पढ़ना चाहिए और पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है, इसीलिए ये आपके
करिकुलम में ऐड किया गया है ताकि अवेयरनेस जो है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ा हुआ है ना सबका? यस मैम, यस मैम, अच्छे से पढ़ा होगा ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड चैप्टर है आपका, दो चीजें पढ़ते हैं उसमें मेन, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ते हैं आपका, ठीक है, बर्थ कंट्रोल वाला पार्ट, और एक पढ़ते हैं आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। मतलब चैप्टर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू मी दो ही सेगमेंट मतलब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ोगे अच्छे से और दूसरा क्या पढ़ोगे आपका एसटीडी वाला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, ये दोनों पढ़ेंगे चीजें, ठीक। अभी किसी को डाउट क्लास में कुछ भी? नो मैम, क्लियर है सारी चीजें? यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम।